नमस्कार, इस वक्त हम खड़े हैं इंदौर रेलवे स्टेशन पर और हम यहाँ से प्रयागराज के लिए ट्रेन पकड़ने वाले हैं। इंदौर प्रयागराज 11:38 हो चुका है और 10 मिनट में हमारी ट्रेन यहाँ आने वाली है। अने दिखाई दे रहे हैं खिड़की से बाहर झांकते हुए। अने सीट को भी कर दूं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा, मुझे पता ही नहीं था इंजन का हॉर्न ही नहीं बजा, सही टूट के निकल गई। आ गया बजेगा हॉर्न अब तो। और अने की बुआ सीटें सैनिटाइज कर रही हैं। अब मेरे को चॉकलेट वनीला दे दो, चलेगा? देखो सभी मां की डर गई है। ये हमारा कोच है, फिलहाल तो खाली है। थोड़ी देर में हमारी ट्रेन चलेगी। ये हमारी विंडो से है इंदौर जंक्शन के बाहर का नजारा। ट्रेन इंदौर से डिपार्ट हो चुकी है एकदम राइट टाइम। जर्नी शुरू हुई, साथ में खाना पीना भी शुरू हो गया है। ये मम्मी है, अने की दादी, ये अने की बुआ है। ये लोग खाना खा रहे हैं, अने के दादू। अने अपनी मम्मा के साथ दूसरी खड़ी ट्रेनें जो है उन्हें एंजॉय कर रहा है। ये है मेरा नाश्ता, इसमें पोहा है और समोसा है। इंदौर के नाश्ते में अगर पोहा ना हो तो नाश्ता अधूरा माना जाता है। इंदौर के बाद अब अगला स्टेशन आ रहा है। कौन सा स्टेशन है आने? उज्जैन। उज्जैन है पक्का? हाँ। पढ़ा आपने? हाँ। वो देखो उज्जैन। ये आ गया है हमारा उज्जैन स्टेशन। ऊपर दिखाओ थोड़ा, इंजन दिखेंगे फिर ऊपर दिखाओ। उज्जैन महाकालेश्वर की नगरी है। यहाँ भगवान महाकालेश्वर का मंदिर है जहाँ हम आते रहते हैं। इस बार हम ट्रेन से प्रयागराज जा रहे हैं। हमारी ट्रेन खड़ी है उज्जैन स्टेशन पे। कुछ कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है यहाँ। बहुत ही अच्छी ट्रेन है ये, काफ़ी साफ़ सुथरी है, टॉयलेट भी काफ़ी साफ़ सुथरा है। चलो हो गई, उल्टी जा रही है, उल्टी जा रही है, बोलो बोलो, उल्टी जा रही है ट्रेन। कहाँ से डिपार्ट हो रही है? उज्जैन से ट्रेन अभी डिपार्ट हो रही है। जा रही है वापस इंदौर। नहीं, अब इंदौर क्यों जाएगी? कहाँ जाएगी यहाँ से? नेक्स्ट स्टेशन यार, नेक्स्ट स्टेशन वही इंदौर। मेरे ख्याल में नेक्स्ट स्टेशन बैरागढ़ है। बैरागढ़ इंदौर जा रही है ना? नहीं है ना, ये तो पीछे जाती है। ट्रेन के डायरेक्शन रोड के डायरेक्शन जैसे नहीं होते हैं ना, अलग होते हैं। मतलब ये नहीं रुकेगी इंदौर में इस स्टेशन पर? इंदौर जाएगी क्यों? ठीक है, इंदौर नहीं जा रही है। नहीं जाएगी। पूरा स्टेशन खाली क्यों है ना? चल रही है, अब चली स्पीड में। और वो खड़ी है एक ट्रेन की, डब्बा खड़ा है, डब्बे खड़े हैं। कोचेस किसके कोच हैं? वो पोस्ट ऑफिस कोच। हाँ। और ये नीले डब्बों से एक ये ट्रेन है, देखो देखो। चलो आ गया, चलो संत हिरदानम नगर भोपाल का स्टेशन है, ट्रेन का तीसरा स्टॉप है।
कहाँ पहुँच गया ने? भोपाल भोपाल से निकल चुके हैं। भोपाल से निकल चुके हैं अब अपन। मत दिखा पापा, वैसे भी वो दूर ही करे। अभी ट्रेन गुजरी थी। अब हम पहुंच गए सांची और सांची के स्तूप की एक छोटी सी झलक शायद हमें दिखाई दे इस ट्रेन से। देखिए सामने जो पहाड़ पे आपको बीचों बीच एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है वो स्तूप है, सांची के स्तूप का स्ट्रक्चर ही होगा। सांची स्टेशन आ गया। ये सांची स्टेशन है। यहाँ पर सिर्फ 9 मिनट का हॉल्ट है। कितने? 9 नहीं 2 मिनट का। मैं 2 ही का है। डिपार्चर हम कर चुके हैं, डिपार्टिंग कर चुके हैं हम। बाय बाय साजी। जी देख ये सिग्नल। ईशा स्टेशन है। ट्रेन यहाँ आ रही है जा रही है यहाँ से? क्यों आ रही? आ गई है और रुकी हुई है। कहाँ रुकी? रुकेगी कितनी देर? रुकेगी 2 मिनट। उधर प्लेटफार्म है। अरे उधर है प्लेटफार्म। इधर उधर मैं बैठी हूँ। ये है विदिशा स्टेशन। भर जाएगा ऐसे ही। ट्रेन कहीं रुकी है? कौन सा स्टेशन है? बीना स्टेशन है। सब चाय पी रहे हैं क्या? शाम हो गई है। मेरी भी चाय आ गई है। ने ये बीना स्टेशन है। ये चाय वाले भैया हैं, देखो चाय भर रहे हैं। देखो ये ट्रेन बीना से डिपार्ट हो रही है। इस ट्रेन में पेंट्री नहीं है, खाना बीना में मिलता है। ऑर्डर थोड़ा पहले लिया जाता है। हाँ क्या है ने? कंटेनर है। हाँ ये लोडिंग ट्रक जाते हैं। लोडिंग ट्रक नहीं, ये टंकिया ले जा रही है। पेट्रोल ले जा रहे हैं। लिखा भी है पेट्रोल। पेट्रोल लिखा है। बाय बाय, अब हम जाए सुने। अब हम पहुंच गए ललितपुर। हमें ललितपुर के बारे में कुछ पता है तुम्हें? मुझे तो बिल्कुल पता है। स्टेशन ललितपुर के बाद अगला स्टेशन है टीकमगढ़। ललितपुर उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद ट्रेन फिर से मध्य प्रदेश में एंटर हो जाती है। ट्रेन ललितपुर क्रॉस कर चुकी है। अने आप क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं। अने कोई गेम खेल रहे हैं अपने मोबाइल पे। ये टीकमगढ़ स्टेशन है। टीकमगढ़ किसी जमाने में बुंदेलखंड का एक बहुत बड़ा स्टेट था। ये बहुत पुराना स्टेशन नहीं है। ये खजुराहो स्टेशन है। रात में करीब 11:40 पे आता है और यहाँ पे ट्रेन 15 मिनट रुकती है। काफ़ी अच्छा बना है स्टेशन। इसके पहले जब भी आया काफ़ी अंधेरा मिला यहाँ पे, लेकिन आज काफ़ी रौनक है, काफ़ी भीड़ भाड़ भी है। देखिए सेकेंड वेव के बाद में मैं विजिट कर रहा हूँ इसको, खजुराहो। देखिए पीछे से भी दिखा, काफ़ी भीड़ है। और अब इसके बाद हम सुबह प्रयागराज में ही मिलेंगे। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग, सुबह हो गई है और ट्रेन प्रयागराज पहुंचने वाली है। अने विंडो के बाहर क्या दिख रहा है तुम्हें? एक कोई अलग
अजीब सा प्लांट। हाँ, विंडो के बाहर काफ़ी हरियाली है और एक प्लांट नज़र आ रहा है। हमें जानकारी नहीं है ये प्लांट क्या है। जो लोग प्रयागराज से हैं कृपया हमें कमेंट करके बताएं। गुड मॉर्निंग, 7 बज गए हैं, नैनी स्टेशन आ गया है। ट्रेन हमारी करीब 1 या 1.5 घंटे लेट है। रास्ते में इंजन चेंज हुआ था। हेलो हेलो हेलो, बात करो। अने अभी सो के उठे हैं। ये नैनी स्टेशन है। ये ट्रेन नैनी जंक्शन से डिपार्ट हो चुकी है। अगले 10-15 मिनट में प्रयागराज पहुंच जाएंगे, हम ऐसी उम्मीद है। 10 मिनट भैया कह रहे हैं कि हम 10 मिनट में पहुंच जाएंगे, चाय वाले भैया। हमारी ट्रेन प्रयागराज पहुंचने ही वाली है। प्लेटफॉर्म का इंतजार कर रहा है ने। कितनी देर है ने? दिख रहा है प्लेटफॉर्म? ये देखिए, ये आ गया प्रयागराज। और मैंने YouTube के ये आ गया प्रयागराज का प्लेटफॉर्म। और मैंने YouTube के एक चैनल पे सुना था कि ये उत्तर प्रदेश की सबसे क्लीन सिटी है। और हम इंदौर से आए हैं, तो मतलब MP की और इंडिया की सबसे क्लीन सिटी से हम लोग उत्तर प्रदेश की सबसे क्लीन सिटी में पहुंच चुके हैं। ये रिवांचल करी है। हर येलो ट्रेन रिवांचल थोड़ी होती है ना। कितने पापा मिनट खड़ी रहती है? कितने मिनट खड़ी होती है पापा यहाँ पर? बस बेटा, ये लास्ट स्टॉप है इसका। अच्छा जी, यही रहेगी। मतलब ये यहीं पर रुकी रहेगी। पहुंच गए हम प्रयागराज, अब बाहर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ स्टेशन के पास बहुत सारे अच्छे होटल्स हैं। जॉन्स्टनगंज में हमारी बुकिंग। इंदौर से प्रयागराज की ये बेहतरीन रेल यात्रा यहीं समाप्त होती है। प्रयागराज में हम स्टेशन के करीब ही होटल सुंदरम में रहे। यह होटल परिवार के साथ रुकने के लिए एक बहुत ही अच्छा स्थान है। यहाँ का रेस्टोरेंट भी बहुत बढ़िया है। अब इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट कर हमारा उत्साह बढ़ाएं। जल्द ही अगले वीडियो में मुलाकात होगी। धन्यवाद।